नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेपी शुक्ला और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल द अर्बन गुरु जी पे। आज हम जानेंगे कि दुनिया में कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनके पास रेयर अर्थ मेटल्स हैं और उसको वो सीक्रेट वेपन के तौर पे इस्तेमाल करते आए हैं। और उसके साथ ही साथ उस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि आप मिरेकल जिसको बोलते हैं या फिर आप बोलते हैं साइंटिफिक वंडर। तो आप इलेक्ट्रिक कार की बात करो या फिर सुपरसोनिक जेट्स की बात करो या मोबाइल फ़ोन में बहुत सारी जैसे AI टेक्नोलॉजी हो गई या फिर बहुत सारी जो नई नई तकनीकें आ रही हैं उसमें ये अपने जो सीक्रेट वेपन्स है जिसको आप रेयर अर्थ मेटल्स है उसका यूज करते हैं और उन्नतशील तकनीकों का प्रयोग करके दुनिया भर के देशों को अपना व्यापार करते हैं और बेचते हैं, खरीदते हैं और साथ ही साथ देश की इकोनॉमी को बढ़ाते हैं। तो ऐसी ही चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे कि कौन कौन से ऐसे वेपन्स हैं या फिर जिनको सीक्रेट वेपन्स बोलते हैं वो इसमें शामिल हैं और भारत अगर चाहे तो इसको महाशक्ति बन सकता है इसके माध्यम से। सबसे पहले हम जानेंगे कि बेसिक्स क्या होते हैं रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में। तो नाम की अगर बात करो तो उसको रेयर अर्थ एलिमेंट्स या फिर रेयर अर्थ मेटल्स बोलते हैं क्योंकि ये धरती पे बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। इनका जो स्टोरेज है बहुत कम है, भंडारण बहुत कम है और साथ ही साथ इनका जो एनरिचमेंट है वो बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इनको रेयर अर्थ मेटल्स बोलते हैं। तो अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो या फिर कभी भी आपने साइंस ली हो तो वहाँ पर आपने पीरियडिक टेबल पढ़ा होगा और पीरियडिक टेबल में जो एफ ब्लॉक है उसमें एलिमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं लैंथेनाइड्स, जो टेबल में सबसे नीचे होते हैं और उनको लैंथेनाइड बोला जाता है। तो पूरे लैंथेनाइड ग्रुप्स को और उसके साथ ही स्कैंडियम और इट्रियम इन दोनों को मिलाने पे जो 17 एलिमेंट बनते हैं इनको मिला जुला के रेयर अर्थ एलिमेंट्स या फिर रेयर अर्थ मेटल्स बोलते हैं। मतलब कि इनके धरती में जो प्राप्ति है या ऑकरेंस है ये बहुत कम है और इनका महत्व बहुत ज़्यादा है क्योंकि इनमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि सुपर नेचुरल चीज़ों से मिलती है। जैसे आपने हॉलीवुड की मूवीज़ में देखा होगा कि बहुत सारे वो ऐसे किसी एलिमेंट के बारे में बात करते हैं कि ये उससे बना हुआ है और ये स्पेस में ट्रैवल कर सकता है या फिर टाइम ट्रैवल कर सकता है। तो इसी टाइप की प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं। ये हो गए बेसिक्स। और लिमिटेड की बात करें ये बहुत लिमिटेड है और प्रोड्यूसर इसका चाइना है। अगर आप इसकी प्रोडक्शन की बात करते हो तो दुनिया भर में अगर आप ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो सबसे ज़्यादा इसको चाइना प्रोड्यूस करता है और चाइना के पास अगर आप देखो तो 44 मिलियन मीट्रिक टन के अप्रॉक्स इसके भंडारण है। या फिर आप देखो तो चाइना नंबर वन पे इस हिसाब से आता है प्रोडक्शन के मामले। इस टाइम पे 90% प्रोडक्शन चाइना ही करता है और बाकी देशों के पास भंडार तो है पर वो प्रोडक्शन अच्छे से नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है। सेकंड नंबर पे ब्राज़ील आता है जिसके पास 22 मिलियन मीट्रिक टन के 22 मिलियन मीट्रिक टन के अप्रॉक्स ये रेयर अर्थ मेटल्स हैं। इंडिया यहाँ पे 5th नंबर पे आता है। रैंक वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ से। वियतनाम की 3rd रैंक है, रशिया को 4th मिला है। सरप्राइजिंगली इसमें US नहीं है और इंडिया के बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है जहाँ पे प्रोडक्शन काफ़ी होती है इस चीज़ की। यूरेनियम भारत को एक्सपोर्ट करता है रसिया ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा भी बहुत सारे जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं वो हमें ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करता है। अब भारत की कंडीशन क्या है इस टाइम पे? भारत में भंडार तो बहुत सारे हैं पर हमने उसके एनरिचमेंट पे उस लेवल पे ध्यान नहीं दिया है या प्रोडक्शन पे उस लेवल पे ध्यान नहीं दिया है। अगर हम ध्यान देते हैं तो जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप इस रिपोर्ट की बात करो तो ये डेटा मैंने USGS या फिर यूनाइटेड स्टेट्स और जियोलॉजिकल सर्वे के वेबसाइट से ले रखा है। तो आप ऑथेंटिसिटी बेस की वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, ये आपके लिए वेरीफाइड डेटा है। और डेटा ये जो है ये मीट्रिक टन्स में दिया गया है तो इस हिसाब से आप देखो रैंक्स यहाँ पर दी हुई है। अब हम बात करते हैं कि यूसेज क्या है। तो अगर आप यूसेज की बात करोगे कि रेयर मेटल्स का यूसेज क्या है तो आप देखो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें मैग्नेट होता है और मैग्नेट ज़्यादातर इसी से बनता है। और पॉलिशिंग पाउडर्स की बात करो और पॉलिशिंग पाउडर्स में यहाँ पे यूज़ होता है। सेरेमिक्स में बहुत सारा यूज होता है। कैटलिस्ट में बहुत सारी चीज़ें बनाने में, पॉलीमराइजेशन में या फिर अन्य कामों में या फिर मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए या फिर टेक्नोलॉजी हो गई कोई भी चीज़ का, इंजीनियरिंग हो गया, साइबर स्पेस या फिर कोई भी स्पेस टेक्नोलॉजी, वहाँ पर इसका हार्डवेयर बनाने में यूज होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट माना जाता है। तो जिस देश के पास ये होता है उसकी चिप लेवल इंजीनियरिंग या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी स्ट्रांग होगी। अगर आप देखो चाइना का एग्जांपल तो उसके पास सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ मेटल्स हैं तो इस टाइम पे वो मैन्युफैक्चरिंग जायंट बन के बैठा हुआ है। जब से वहाँ के मतलब प्रेजिडेंट डेंग जियाओपिंग ने इस पर ध्यान देना स्टार्ट करा था उसके बाद से चाइना को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए रेयर अर्थ मेटल्स जो मोस्टली इनर मंगोलिया वाले पार्ट में चाइना के पाया जाता है वहाँ से इसका एनरिचमेंट करा के अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लगाना स्टार्ट किया। और अब देखो तो बैटरीज में भी जैसे क्या है कि अभी तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में मोस्टली बैटरीज का भी ऑप्शन होता है और इलेक्ट्रिक का भी ऑप्शन होता है तो बैटरीज में इसका बहुत यूज़ होता है रेयर अर्थ मेटल्स का। अब इनकी प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी होती है कि नॉर्मल जो मेटल्स हैं हमारे वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे या फिर एक सर्टेन लेवल पे वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं प्रेशर। तो
पर जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनमें स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके साथ वो एक उपयुक्त लेवल या फिर आप देखो तो बहुत पीक वाला लेवल भी बर्दाश्त कर लेते हैं, जिससे वो हमारे जो विशेष हथियार हैं या विशेष उपकरण हैं उनमें एक अच्छी क्वालिटी दे सकते हैं। इसके अलावा यूसेज की बात करो तो मिलिट्री इक्विपमेंट में भी इसका काफ़ी यूज होता है, और अदर यूजेस की बात करो तो फार्मास्यूटिकल में भी इसका यूज देखा गया है। अब हम बात करते हैं वर्तमान में ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली अभी आप देखा गया कि चाइना जो है वो अमेरिका को 80% से ज़्यादा अमेरिका की ज़रूरत के हिसाब से जो उनका रेयर अर्थ मेटल है वो उनको बेचता है। अब जबकि ट्रेड वार चल रही थी तो यूएस ने बहुत सारे सेंसेंस चाइना के ऊपर लगाना स्टार्ट करा, टैरिफ बढ़ाना स्टार्ट करा, तो चाइना ने धमकी क्या दी कि हम आपको जो रेयर अर्थ मेटल्स एक्सपोर्ट करते हैं वो हम अपना कट कर देंगे या फिर हम कंप्लीटली बंद कर देंगे, जिससे जो यूएस की मार्केट है उसको एक तरह से डाउनफॉल देखने को मिल सकता है वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग को, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो आईटी बेस्ड हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड हैं, टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं, उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्योंकि ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं इनकी जो नेसेसिटी है ये वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है, तो ये एक तरह से थ्रेट था। अब यूएस ने क्या किया, स्टांस लिया, यूएस ने क्या किया कि उसने जो अल्टरनेटिव है चाइना का वो ढूंढना स्टार्ट कर दिया इसके रिटेलिएशन में, जैसे आप देखो तो ब्राज़ील में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर इंडिया में उसने इन चीज़ों पे ध्यान देना स्टार्ट किया कि यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी जाए या फिर यहाँ से एक्सपोर्ट को शिफ्ट कर दिया जाए चाइना से तो जो काउंटर थ्रेड है उसको टैकल कर सकते हैं। तो इसलिए आजकल ये काफ़ी न्यूज़ में था, ट्रेड वार का एक तरह से साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पे, चाइना ने जो एक थ्रेड दिया है यूएस को इसकी वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में था। और अगर आप बात करो तो इस टाइम पे दुनिया में जो भी एक्सपोर्ट होता है रेयर अर्थ मेटल्स का वो मोस्टली चाइना ही करता है, क्योंकि प्रोडक्शन भी 90% के अप्रॉक्स इस टाइम पे चाइना का है। तो इन देखो तो इनकी जिस प्रकार से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या फिर कोई और इंडस्ट्री जैसे बढ़ रही है धीरे धीरे, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बात करो तो हार्डवेयर में, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स, डिवाइसेस और सारी सारी मैन्युफैक्चरिंग में ये नंबर एक पे इस टाइम पे बन रहे हैं, और यूएस को एक टक्कर देने वाला देश इस टाइम पे चाइना आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे अब एक स्टेटमेंट थी कि डेंग जियाओपिंग ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर मिडिल ईस्ट के पास तेल है तो हमारे पास रेयर अर्थ है, ये 1970s 1980s में डेंग जियाओपिंग की स्टेटमेंट थी, और वो आपको उसका जो रिजल्ट है वो अभी सामने देखने को मिल रहा है, और उसके परिणाम स्वरूप चाइना इस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग जाइंट बन रहा है। तो हम भी अगर चाहें तो इसी चीज़ हमारे पास भी ये चीज़ें हैं, हमारा भी नंबर ठीक ठाक है, हमारे पास अमाउंट है, बन सकते हैं। अगर आप इंडियन परस्पेक्टिव से बात करो तो वर्तमान में भारत में दुनिया का पाँचवा सबसे ज़्यादा जो रेयर अर्थ मेटल का रिजर्व है वो भारत में है, और भारत में यूएस से या ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा है। तो अगर हम अपनी जो इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे इस टाइम पे देखो नॉर्थ ईस्ट में या फिर ईस्टर्न पार्ट में, उड़ीसा में, आंध्रा में, या कुछ आप देखो तो बिहार के इलाकों में, बंगाल में, यहाँ पे इनके रिजर्व पाए जाते हैं, तो अगर हम इनका ठीक ठाक तरीके से उपयोग करते हैं तो हम लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। एक एस्टिमेट है कि अगर भारत ठीक तरीके से इनकी जो इंडस्ट्रीज है इनको टैकल करता है और उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए, तो भारत को करीबन 1 लाख करोड़ रुपए पर साल, 1 लाख करोड़ के अप्रॉक्स रुपए भारत को मिल सकते हैं पर साल, या $12 बिलियन के अप्रॉक्स, और 12 से 13 बिलियन के अप्रॉक्स भारत को फायदे मिल सकते हैं। जॉब की बात करो तो लाखों लोगों को नौकरियां इस क्षेत्र में मिल सकती हैं, और भारत जो है वो जो थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी है उसकी ओर एक माइल स्टोन जो उसका है आराम से उसकी तरफ जा सकता है। इस जो उसका स्ट्रेटेजिक रिजर्व है भारत के पास, या फिर जिसको बोलते हैं कि एक भारत की प्राकृतिक संसाधन है उसका उपयोग करके। और इसके साथ ही बात करो अगर आप कि बेसिक्स क्या है भारत में, तो भारत में शुरू में 1950 में इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड नाम की एक संस्था उसको स्थापित किया गया मुंबई में, और इस संस्था का काम यही था कि भारत में कहाँ कहाँ रिजर्व है इसका पता लगाना और उनकी इन्वेस्टमेंट के लिए ध्यान देना और पॉलिसीज मेकिंग करना। और ऑकरेंस की अगर आप बात करो भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो मोस्टली ये नॉर्थ ईस्ट में और ईस्टर्न इंडिया में और कुछ आंध्रा के इलाकों में इसकी ऑकरेंस पाई जाती है, और ये एक अच्छी इंडस्ट्री भारत के लिए शामिल हो सकती है, जैसे कि इस टाइम पे भारत की आईटी इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रही है इकॉनमी में हमारे, और तीसरी इंडस्ट्री के रूप में आप देख सकते हो। तो ये एक रेयर अर्थ मेटल का एक्सपोर्ट अगर हम अच्छे तरीके से करते हैं या हम अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें अपने जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनका यूसेज अच्छे तरीके से कर पाते हैं तो हमारी जो इंडस्ट्री है उसको और बूम मिलेगा और हम अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट कर पाएंगे और हमारी इकॉनमी और मजबूत हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो प्रोडक्टिव लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल द अर्बन गुरुजी को सब्सक्राइब करने के लिए
उन सभी को बताइए, क्योंकि अगर आपका समर्थन मिलेगा तो हम और वीडियो ऐसे बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।